हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों, आप फ़ोन पे की मदद से कैसे गैस बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप फ़ोन पे की मदद से कोई भी सिलेंडर, चाहे दोस्तों आपका कोई भी सिलेंडर हो, इंडियन का हो, भारत का हो, या दोस्तों आपका किसी का भी दोस्तों सिलेंडर हो, दोस्तों आप फ़ोन पे की हेल्प से आप घर बैठे सेंटर बुक कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप इसे ऑनलाइन ऑनलाइन दोस्तों पैसे भी कटवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों आप फोन पे की मदद से कैसे सिलेंडर बुक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन पे पर जाना है। फ़ोन पे पर जाने के बाद दोस्तों, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ ढेर सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको एक ऑप्शन देख लेना है। दोस्तों, यहाँ लिखा है बुक आ सिलेंडर। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बुक आ सिलेंडर। दोस्तों, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, आपका कोई दोस्तों आपके घर में जो भी सिलेंडर है, दोस्तों आपको जिस भी सिलेंडर को बुक करना है, आप दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, भारत गैस, एचपी गैस और इंडियन गैस, दोस्तों तीनों ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आपका घर में जो भी सिलेंडर है, आपको जिस भी एचपी गैस का बुक करना है, इंडियन गैस का बुक करना है, तो दोस्तों आप इन तीनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे दोस्तों मुझे भारत गैस का बुक करना है, तो दोस्तों मैं भारत गैस पर क्लिक कर लूँगा। भारत गैस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ लिखा है रजिस्ट्रेटेड कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों, जो भी दोस्तों आपकी किताब है गैस की, उस पर दोस्तों आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, दोस्तों आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं, या दोस्तों आप एलपीजी आईडी भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वही नंबर रजिस्टर्ड करना होगा, डालना होगा दोस्तों, जो आपका रजिस्टर्ड है। दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कन्फर्म, तो दोस्तों आप कन्फर्म पर कर देंगे। दोस्तों, यहाँ लिखा है कन्फर्म, आप कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों थोड़ा लोडिंग लेगा, इसको थोड़ा लोड होने देंगे। दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों पूरा इंटरफेस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। दोस्तों, कुछ इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है बिल डिटेल्स। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी बिल डिटेल्स दी हुई है, कस्टमर का नाम दिया हुआ है, और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, दोस्तों आपकी जो भी भारत गैस है, मतलब जो भी आपकी गैस जहाँ से आती है दोस्तों, उसका भी नाम दिया है। दोस्तों, देख सकते हैं नाम दिया है सूर्या गैस सर्विस, और दोस्तों कस्टमर का भी दोस्तों नाम दिया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं आपको सिलेंडर कितने रुपए का मिल रहा है, वो भी दोस्तों शो कर रहा है। दोस्तों, इतने रुपए का दोस्तों सिलेंडर आपको पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप अपनी बिल डिटेल को हाइड करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ लिखा है हाइड। दोस्तों, आप हाइड पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपकी बिल डिटेल दोस्तों छुप जाएंगी। अब दोस्तों रही पेमेंट की बात, तो दोस्तों आपको पेमेंट जिसके भी थ्रू करना है तो आप कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, या दोस्तों क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, तो दोस्तों आप अपने सिलेंडर का जितना भी भुगतान है, पेमेंट है, आप दोस्तों इन तीनों के जरिए आप भुगतान पेमेंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैं यूपीआई के थ्रू करना चाहता हूँ। यूपीआई के थ्रू दोस्तों बहुत ही आसान होता है। और दोस्तों आपके आप यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे में दोस्तों दो बैंक अकाउंट ऐड हैं, तो दोस्तों मैं इन दोनों में से किसी एक से अपने जो भी सिलेंडर का दोस्तों जो भी पेमेंट है वो कटवा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ लिखा है बुक एंड पे, तो दोस्तों देख सकते हैं नीचे लिखा है, तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर जैसे ही दोस्तों मैं क्लिक करूँगा, थोड़ी लोडिंग लेगा, इसको लोड होने देंगे। लोड होने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों जब आप दोस्तों आपको इधर लिखा है ऊपर एंटर यूपीआई पिन, दोस्तों आपने अपना जो भी यूपीआई पिन बनाया होगा दोस्तों, आपको वो पिन डालना होगा। जैसे ही दोस्तों आप अपनी यूपीआई पिन डाल देंगे, दोस्तों आपके सिलेंडर का जो भी पेमेंट है वो कट जाएंगे। दोस्तों जो भी आपके दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पेमेंट दिख रहा है अपने सिलेंडर का, दोस्तों इतने रुपए का दोस्तों सिलेंडर आ रहा है, इतने ही पैसे दोस्तों आपके अकाउंट से कट जाएंगे। दोस्तों आप यूपीआई पिन जैसे ही डालेंगे, आपके पैसे कट जाएंगे और दोस्तों आपका सिलेंडर भी बुक हो जाएगा। दोस्तों मैं यूपीआई पिन इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने वीडियो आप इसलिए बनाई कि दोस्तों आप पूरा प्रोसेस समझ सकें कि दोस्तों कैसे सिलेंडर बुक होता है। दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही दोस्तों आप यूपीआई पिन डालेंगे, आपका सिलेंडर भी बुक हो जाएगा और दोस्तों आपके जो भी सिलेंडर के पैसे हैं वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे। दोस्तों जय हिंद दोस्तों।